जनहित आवाज में मैं हूं आपके साथ पूजा। और आज यहां आप देख रहे हैं तमाम लोग जो आए हुए हैं वो किसान लोग हैं, वो यहां पर आज संसद मार्ग पर या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भी इन्हीं लोग से जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र पाटिल है, कर्नाटक किसान कांग्रेस राज्य संचालक, स्टेट कन्वेनर एंड बेलगांव डिवीजन कंसिस्टिंग ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट्स, आई एम इन चार्ज। अच्छा, यहाँ पे आने की क्या वजह है? अभी मोदी ने 1.5 साल पहला जो लॉ विड्रॉ किया था उसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, नो एक्शन, तो फार्मर्स आर सुइसाइडिंग देयर लाइफ। ऑलरेडी 750 आदमी लोग मर गए, आपको मालूम है वो जो स्ट्राइक हुआ था। तो ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट फार्मर्स, के बारे में कुछ उसको टेंशन नहीं है। उसको रोड शो करने का है गुजरात में 50 किलोमीटर। ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट पुअर फार्मर्स। बोलिए। तो ये फार्मर्स के लिए तो आप यहाँ पर आए हैं, जब किसान युवा परेशान है, युवा परेशान है नौकरी से, जब GST के लिए व्यापारी परेशान है, तो फिर जीत कैसे रही है भाजपा? भाजपा हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं जीता? ही वन ओनली इन गुजरात बिकॉज इट इज होम कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ही डिड 50 किलोमीटर रोड शो। वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। व्हाई इज नॉट डूइंग दैट ब्लफिंग एक्सेप्ट गुजरात? किस तरीके से बेवकूफ़ बेवकूफ़ क्या रोड शो करने का? मीडिया देखिए, रोड शो तो सभी कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप लोग मीडिया उसको जोड़ो यात्रा को भी रोड शो का नाम दिया जा रहा है। प्लीज लिसन टू मी, अभी आप मीडिया भी आपको उसको बहुत सपोर्ट करता है। मीडिया और क्या, आई एम नॉट टेलिंग यू, ऑल चैनल्स आर सपोर्टिंग हिम डायरेक्टली, व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग अदर पार्टीज? मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं। यस, ओपनली आई एम टेलिंग। व्हाट इज व्हाट आज तक क्या कर रहा है? सी देखिए, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर चैनल, ओके? मोदी इज नथिंग विदाउट मीडिया। आई एम टॉकिंग ओपनली इन योर मीडिया शो। अगर वो मीडिया का सपोर्ट नहीं रहेगा, ही कैन नॉट विन। व्हाई ही लॉस्ट इन हिमाचल प्रदेश? आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, यू आंसर मी, व्हाई ही लॉस्ट? ही ओनली वन इन गुजरात, ही कुड नॉट विन इन, ओके? अभी सॉरी, ओके, देखिए वो हिमाचल प्रदेश में ही विन नहीं हुआ वो। क्या नाम है आपका? दुंडया हेरेमठ। कहाँ से आए हैं आप? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से अधिकतर लोग आए हैं क्या यहाँ पे? हम लोग इधर 50 लोग मैं लेके आया है फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, ओके? अच्छा, लोग ही लेकर आए हैं, वाकई में अपने मुद्दों के लिए आए हैं? वो हमारे सब ये फार्मर्स, हम किसान कांग्रेस वाले हैं, दे आर ऑल अवर ऑफिस बेरर्स, वो उनको हम लेके आए हैं। हम 100 लोग आए हैं यहाँ, हाँ, जो कि छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। कहाँ से आए? गाजीपुर यूपी से। यूपी से आए हैं? हाँ। अच्छा, यूपी से आए हैं, आपको मालूम है यहाँ क्या मसला है, क्या मुद्दे हैं? अरे मसला वही है, मुद्दे है कि जो हम लोग 13 महीने के बॉर्डर पे बैठे थे तो हमारे साथ वादा किए थे कि नहीं तुम्हारी तीनों बिले वापस, MSP पे गारंटी देंगे और एक किसान आयोग बनाएंगे। क्या करते हैं? हाँ, तो ये बताओ कि कहाँ है किसान आयोग और कहाँ है गारंटी, MSP की गारंटी? अच्छा, आप क्या करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं? हाँ, किसानी भी करते हैं कि थोड़ी खेती है तो मजदूरी भी करना पड़ता है, दोनों काम करते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि भाजपा हाँ, फिर जीत कैसे रही है जब आप लोग परेशान हैं? हाँ, जनता परेशान है। जीत कहाँ रही है ये बताओ? गुजरात में जीती नहीं? अरे गुजरात में जीती है ना, गुजरात में जीती है तो कैसे? पैसे के बल पे जीती है। पैसे के बल पे जीती है? अच्छा, यूपी में, हम तो आपको बता रहा हूँ, यूपी के अंदर जो 1 महीना 10 दिन 25 दिन 30 दिन पहले वोट पड़ा था वहाँ से जीती। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले वोट पड़ा तो क्यों नहीं जीत गई वहाँ से? रामपुर तो जीत गया ना। अरे रामपुर में कितना जोर लगाए है, कौन कौन गए हैं और वहाँ DM SP कितने बदले हैं, ये भी तो देख लो है। नहीं तो आजमगढ़ में क्यों नहीं जीती, गाजीपुर में क्यों नहीं जीती, बलिया में क्यों नहीं जीती, बनारस मोदी का गढ़ है वहाँ पर कितनी सीटें पाए हैं हैं मोदी जी? तो ये गुजरात का मोरबी का पता है ना, मोरबी घटना हुई है, वहाँ से तीन सीट जीती है। अरे तीन सीट जीती है, ठीक है, भाजपा जीती है, तीन सीट जीती है। मोरबी का किस दिन इलेक्शन हुआ था, अब गिनती कितने दिन बाद हुआ है? हिमाचल में क्यों नहीं जीत गई? क्योंकि हिमाचल में चोरी नहीं। हिमाचल ही तो जीत गई है कांग्रेस। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तीन राज्य ऐसे हैं कि जहाँ सिंगल रास्ता है वहाँ चोरी नहीं होती है, वहाँ चोर बसते ही नहीं, क्योंकि वो चोर जो बसेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये कहीं रास्ता जाने का है वही आने का है। अच्छा। किधर भाग के जाएगा, या नदी में कूदेगा कि पहाड़ पे चढ़ेगा? अच्छा। पहाड़ पे चढ़ेगा, गिर के नीचे ही आएगा। नदी में जाएगा तो बह जाएगा,
हाँ, तो इसलिए वहाँ चोर पकड़ा जाएगा। हाँ वहाँ चोर पकड़ा जाएगा, वहाँ चोर कह रहे हैं, चोर किसे कह रहे हैं? ये भाजपा वाले चोर नहीं थे और क्या है बताओ? चोर है। मैं गाजीपुर से आया हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने मुख्यमंत्री को लिखित में दे रखा हूँ कि थाने पर रक्षक नहीं भक्षक हैं और तहसील में अधिकारी कर्मचारी नहीं कुत्ते पल रहे हैं। और उसका जवाब इन्होंने भेजा था एसडीएम के पास, एसडीएम ने जवाब भी हमको दे रखा है जो कि झोले में लेके घूम रहा हूँ। डीएम को दिया, डीएम ने उसको दिया, उसका भी जवाब आया, एसपी के यहाँ से जवाब नहीं आया। उनके मुख्यालय में 10 जनवरी का मैं दे रखा हूँ लेटर है, मैंने दिया 10 जनवरी को, 14 जनवरी को उनके मुख्यालय से गाजीपुर में गया है एसपी के पास है, उसका जवाब नहीं आया। जून में मैंने ये लिख करके दिया था, मैं कहा हम मुख्यमंत्री आवास पे धरना दूंगा कि गाजीपुर में न्यायालय नहीं है, हाँ न वहाँ थाना है, रक्षक कोई थाना स्टेशन है। यूपी में तो इतनी पुलिस तैनात है, इतना अच्छा सुरक्षा बल किया हुआ है, खुद योगी जी बोलते हैं। अरे योगी जी को बोलने से कुछ नहीं ना होता है, जो फील्ड में हो रहा है वो तो कह है। योगी जी तो सड़कें कितनी बना दिए, मेरा 2 जगह घर है, मैं कहता हूँ कि एक नाली भी आज तक बनी होवे है तो योगी जी चल के दिखा दे, चैलेंज देता हूँ योगी जी को। हाँ। और गांव का नाम योगी भी जी को चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, कि हमारे गांव में चल के दिखा दे कि यहाँ कौन से विकास हुआ है। हाँ। केवल इनका झूठ विकास होता है। एक बात मैं और बनाऊंगा, सुरक्षा की जो बात करते हैं, महिला सुरक्षा की, अरे महिला सुरक्षा कहाँ है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने जा सकती है, गहना पहन के स्त्री जा सकती है, और कहाँ कहीं कुछ नहीं, खाली उनका जुबान भर है, जुबान भर झूठी जुबान जो मर्जी उड़ाए रहो, सच्चाई देखो आगे जा करके। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ यही मोदी और योगी सरकार से कि उन्होंने संसदों को 5 लाख रुपया सालाना देने को कहे थे ये मोदी जी, हाँ कि कम से कम 25 गांव का हर साल विकास करेंगे, हाँ कौन सा गांव का विकास हुआ है, मैं पूरे ओल्ड इंडिया में पूछना चाहता हूँ, हाँ कि इतने इतने करोड़ रुपया दे देकर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, इतना विकास हुआ, कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर बन गया, विकास नहीं हुआ। राम मंदिर बनाना, राम मंदिर दुनिया को रोटी, नहीं थे, रोटी, रोटी देगी खाने के लिए, हिंदू राष्ट्र चाहते थे आप लोग, हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र है, कहाँ हिंदू राष्ट्र है, मोदी जी इसी पे तो, अरे मोदी जी को कहने से बात हो रही है, कहीं कुछ भी बात नहीं हो रही है, इसी पे वोट मिल रहा है। अरे नहीं, वोट नहीं मिल रहा, सब बेईमानी से और पैसे पे। मैं बताता हूँ कि जितने मोदी की रैली होती है वहाँ पर जाके देखना, सब किराए के टट्टू जाते हैं भीड़ जुटाने के लिए, किराए के टट्टू जाते हैं। हाँ, हर एक सांसद 20-20 बंदे भेजता है, हर एक विधायक 10-10 आदमी भेजता है। आप गए हैं क्या? हम गया नहीं हुआ, मैंने सुना हूँ लखनऊ के अंदर, मैं ऐसे क्या होता है, ऐसे तो बहुत लोग, अरे कैसे सुनने से और नहीं होता है, जा करके मिल करके देखो ना उस जनता में, इनमें पूछो कौन सा किराए का टट्टू कोई आया है, ये सब किसान आए हैं। मोदी जी भी किसानों के कहते थे ये उग्रवादी हैं, मायावादी हैं, खालिस्तानी हैं, हाँ आंदोलन जीवी हैं, ये किसान नहीं है, हाँ तो क्यों वापस किए बिले, उनको तो किसान नहीं थे, उग्रवादी कर लिया ना, फिर यहाँ पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारे साथ कह करके वादा करके है कि किसान आयोग बनाऊंगा, कहाँ है किसान आयोग, हाँ MSP गारंटी कहे थे, कहाँ है गारंटी, 1400 रुपया बिक रहा है यूपी में, यूपी में गाजीपुर बनारस बलिया 1400 रुपया क्विंटल धान बिक रहा है, हैं योगी जी 2040 कहे, बेईमानों का लुटेरों का सरकारी खरीद पे बिक रहा है, हैं किसान का नहीं बिक रहा है, किसान के लिए इतना काम तो किया है, आपको लोन मिल रहा है, कोई कुछ भी किसान नहीं, लोन मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं, किसान निधि है, गरीबों को नहीं, केवल पैसे वाले जो उनके कर्मचारियों को रोटी डालते हैं उनका बना देते हैं, और बनाने के बाद भी नाम में, जैसे मेरा नाम शंभू यादव है तो लिख देंगे शंभू, हाँ बस गया का नाम में फर्क है भैया, जाके ठीक कराओ, ये हाल है, एक बार किसान को मिल गया दोबारा नहीं मिला है। तो आपके साथ हो रहा है यानी सबके साथ हो रहा है? हमारे साथ, हम तो आज तक कोई सरकार एक पैसे का राशन तक नहीं लिया हूँ किसी भी सरकार से, हाँ मैंने आज तक 1% का राशन नहीं लिया हूँ, 1 पैसे का। क्यों नहीं लिया भाई? मोदी जी से चिर हराम की नहीं चाहिए। अच्छा, हम हराम की दे रहे हैं, बैर का गरीबों को दे रहे हैं तो हराम की दे रहे हैं, लूट का माल दे रहे हैं, लूट का, ईमानदारी का तो दिए थे ताऊ देवीलाल ने, हाँ जिन्होंने शुरू किया था 2 रुपया किलो, 2 रुपया किलो पे उनका शुरू हुआ है, और ताऊ देवीलाल ने 200 रुपया की, क्या कहना चाहते हैं? 60 कर्नाटक से आया जी, क्या कहना चाहते हैं? वो बातें कर रहे हैं ना, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, आपसे भी सच्ची बातें कर रहे हैं,
हैं। आप बोल रहे हैं कि हराम की नहीं लेते, हाँ। ये तो मतलब हराम का मिल रहा है, ये हराम की नहीं दे रहे, तो हराम की दे करके हराम का बना दिए। हम आपसे बताना चाहता हूँ कि इन्होंने गैस चूल्हा फ्री में बांट दिए थे, गैस चूल्हा लेने वालों ने ले लिया, और औरतों को आदत पड़ गई गैस पे बनाने की, लकड़ी छोड़ दी, गोसा छोड़ दी, आज गाय है बैल है, अच्छा सब कर रहे हैं चूल्हा, अरे अच्छा कैसे कर रहे हैं, लकड़ियां जल रही, धुएं से मर रही थी माता जी, मैं बता रहा हूँ कि पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी, कौन सी माताएं पहले चश्मा लगाती थी, मैं बता दो, आज गैस पे बन रही है, आंखें खराब होती थी भाई, विकास नहीं हो रहा है क्या, आप नहीं नहीं, नहीं 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 60% माताओं बहनों की आंखें खराब हो गई गैस से, और पहले गैस से, हाँ पहले लकड़ी से गोसे से बनाती थी माताएं, कोई चश्मा नहीं लगाती थी, 80 साल 90 साल 100 साल जीती थी, आज इन सरकारों ने ऐसा ऐसा कर दिया है, मतलब ये ठीकरा भी आप मोदी जी पे फोड़ दे रहे हैं, मोदी जी ने हाँ फ्री का गैस दे करके देहातों में गरीबों को, आज उनको बर्बाद कर दिए, महिलाएं तो खुश हैं, महिलाएं कहाँ खुश हैं, अरे जिसको 12 साढ़े 12 लगे हुए हैं महिला जा, अरे वो तो खाली प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, प्रचार कर रहे हैं, गांव में जा करके पूछो, जिनको 1250 रुपया देना पड़ रहा है गैस सिलेंडर का, तो उनको एक सर पे क्या बीत रही है, सिलेंडर तो फ्री है ना, फ्री मिल रहा है सिलेंडर, कहाँ मिल रहा है, योजना के तहत फ्री मिल रहा है, अरे पहले दिए थे ना, अब कहाँ दिए थे, अब नहीं मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों भाई, क्यों नहीं मिल रहा, सब्सिडी भी नहीं, अरे भाई क्यों बतावा, मोदी से जब पूछो ना कि क्यों नहीं दे रहे हो, तुमने तो वादा किए थे, ब्लैक करने लग रहे, अरे किसान निधि भी दिए थे जो पहले, कितने रुपया बजट निकाले थे, अब 400 करोड़ रुपया निकाले, उससे क्या होगा किसानों का, इतना 72 लाख करोड़ किसान हैं, उनका क्या होगा उतने पैसे से, एक एक रुपया तो नहीं आता है, खाली बातें सुन करके, और हो गया उनकी मीडिया खरीद लिए हैं, जो ये जो नेशनल चैनल है सबको खरीद करके जो मर्जी प्रचार करा ले, तो क्या वही मान लिया जाएगा, है? तो प्रचार मंत्री कह रहे हैं आप, क्यों जी, वो प्रचार तो सभी करते हैं ना, कांग्रेस भी तो प्रचार, अरे कांग्रेस करती है, कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा रहा कि मोदी की तरह नाचता फिरता रहा, अच्छा, नाच रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मदारी बोल दे रहे हैं आप, बिल्कुल जो बिल्कुल मदारी का काम आता है, मदारी बोल रहे हैं, देशी राजा है वो, नहीं नहीं देशी राजा नहीं, अब अवतार है, पाप लगेगा आपको, अरे चलो कहने दो, हाँ जहाँ गरीब किसान मजदूर दुखी हो, हाँ वहाँ देवता, हाँ देवता उनको बता रही हो, आज कौन सा किसान, मैं थोड़ी बता रही, जनता बता रही, विष्णु का अवतार, कभी तुमने सुना था कि 13 महीना किसान बॉर्डर पे बैठे हैं दिल्ली के, हाँ 10 दिन बैठे हैं, 13 महीना बैठे थे, हाँ ये देवता हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देवता कहोगी, मैं थोड़ी कह रही हूँ, तो मीडिया वाले ही इन लोगों को बढ़ावा दे रखी है, और कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। केवल मीडिया वाले, मीडिया सिर्फ मीडिया, आज मीडिया चुप हो जाए मोदी योगी का, हाँ तो हिंदुस्तान से नाम वो चल जाएगा, मतलब वो राजा बन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, राजा बन रहे, राजा झूठ बोल करके बन गए, जनता ने विश्वास कर दिया, अब चोरी बेईमानी पे हो रहा है, बिल्कुल काम चोरी बेईमानी पे हो रहा है, मोदी जी को आप बिल्कुल ऐसे दिखा दे रहे हैं कि मतलब विलियन के, मैं बता रहा हूँ यूपी में 10 जनवरी का मेरा उनके पुलिस मुख्यालय लखनऊ में दे रखा हूँ लेटर, हाँ जो कि कहो तो अभी नंबर निकाल के दिखाऊं, हाँ लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला, मानव अधिकार से ITI सूचना के अधिकार से मांगा था, हाँ लेकिन उसका भी जवाब आज नहीं मिला, 5 महीना हो गया, हाँ अब वही लेकर के मैं कांग्रेस के कल कार्यालय में गया था, अब मैंने वहाँ पर वोट लगा था, हाँ कि कांग्रेस वालों गाजीपुर में थाना रंडी खाना बन गया है, और न्यायालय विश्यालय, अब लोग कागज ये देखे सारे रखा हूँ, जो कि मैं कागज भी दिखा रहे हैं, इनके पास जितने भी पत्र हैं वो दिखा रहे हैं, गाजीपुर में एक सीट भी नहीं भाजपा को मिली है, वहाँ मोदी जी ने योगी जी ने थानों पर कुत्ते बैठा रखे जो कि खास जनता को नोच के खा जाए, सारे मामला है इसका, हाँ ये देखो हमको झूठा दूसरे का नाम काट करके देखो नाम बनाया शंभू मार्कंडेय, हाँ जात का नुनिया बनाया गया है,
मेरे को किसान बदल दिया आपका और क्या बना दिया आपको मारकंडे? नहीं, मेरे मेरा नाम है शंभु यादव। आपका नाम है मारकंडे यादव। देखो यहाँ से नाम काट करके कहा शंभु मारकंडे। जात का नुनिया है, भूमिहीन है, जो कि हमारे बाप के नाम से दो जगह जमीन है। हम दो जगह जमीन के मालिक हूँ और इन्होंने हमको भूमिहीन बना दिया, कृषक मजदूर बनाया है। और जो कि इसके लिए मैं 7 साल से दौड़ रहा हूँ, न गाजीपुर में अधिकारी है न कर्मचारी है जो कि सुनवाई करे। अधिकारी कर्मचारी होते तब तो सुनते। बाबा की सरकार नहीं चल रही है। हाँ, यूपी वालों से जा करके वहाँ पर पूछो ऐसे कमरा लगा करके। हाँ, वहाँ तक खरीदे हुए कमरे वाले आते हैं जो कि ये क्या कहते हैं, आज तक है, इंडिया न्यूज है, सूर्या है, और ऐसे ऐसे न्यूज वाले वहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि खबरें नहीं देते भेजते हैं। और मैं तो ये घूम रहा हूँ, बार बार तुम लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन मोदी जी योगी के पास तो कभी नहीं भेजते हो कि योगी जी सुन लो कि क्या हाल है यूपी के अंदर। थाना नहीं रह गया भाई, जो उनको थाना पे जाओ तो कहा 15-20 हजार रुपया खर्च करो तो तुम्हारे गाँव में चलूँ। ये हाल पुलिस वालों हमारे गाजीपुर में यूपी देखो, योगी जी वहीं से जीते हैं जहाँ से 20 दिन 25 दिन 30 दिन 35 दिन पहले वोट पड़ा था, और जहाँ बाद में वोट पड़ा है वहाँ से योगी जी हारे हैं। नहीं जा करके यूपी का रिकॉर्ड देख लो। नहीं 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 नहीं, अभी तो हमको करीब 4-5 अभी तो भैया हमको 15 दिन हुआ है आधार कार्ड बनवाए। हाँ, नहीं तो हमने कोई जो सुविधा कर, जब काम ही नहीं कोई कर रहा है तो क्या करे। हम तो हरियाणा जो यूपी छोड़ करके हरियाणा में पड़ा था और यूपी में हमारे नाम से जमीन जोती जा रही है, शंभू जोत रहा। अरे मैं तो हरियाणा में पड़ा था, वह कैसे तुम्हारी जमीन जोत रहा था? कैसे मेरे को जात का नुनिया तुम लोगों ने कैसे बना दिया भाई? जब कभी हम तुम्हारे कार्यालय में नहीं गया, तुम्हारे दफ्तर में नहीं गया, तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी से नहीं मिला और हमको बना दिए। और वही हाल आज भी है, वहाँ के CEO हैं गौरव कुमार ने हमसे मिले ही नहीं, झूठे पत्र बना करके भेज दिए हैं इसमें है। अरे नहीं, कहीं नहीं जीत रही है, गुजरात में जीती है, जहाँ चोरी बेमानी होती है वहाँ जीतते हैं। अरे भारी बहुत से, अरे रामपुर से जीती है, कौन है मैनपुरी की जीत गई? मैनपुरी की क्यों नहीं जीत गई बताओ? रामपुर मुसलमानी एरिया है, मुसलमानों को हड़काए धड़काए हैं। हाँ हाँ, और जैसे कि हमारे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी जितने दिन से थे वो तो जीत जाते थे ना। चाहे निर्दलीय भी लड़े तब भी जीत करके आते थे गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर के मसीहा थे, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों को। और उनको अपराधी बना करा करके इन लोगों ने ठोक दिया। अरे वो कुछ नहीं, राजा आदमी है, उसके पास किस चीज की कमी थी कि और क्या क्या और क्या था, वो गाजीपुर के राजा थे पहले से, बाप दादा के जमाने से। हाँ, अपराधी नहीं थे, अपराधी उनको ये बनाया। अरे इन्होंने बना करके डर रखा है। अरे बाहुबली थे किसके लिए? गरीबों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए। भाई जो गुंडा थे, अत्याचारी थे, जो लुटेरे थे, उन पे वो नजर रखते थे, न लूटने नहीं देते थे। हाँ, तो उन लोगों ने उनको अपराधी बनवा दिया। इनका सरकार किसी की रक्षा नहीं कर रही है, रक्षा कर रही है अडानी अंबानी की। अमित शाह तो बंगले में बैठे हैं जहाँ 200-250 पुलिस वाले रखवाली कर रहे हैं। अमित शाह जा करके फील्ड में देखे तब तो, अरे तभी देखते थे 35-35 टुकड़े नहीं हो जाते माँ बहनों का, माताओं बहनों का 35-35 टुकड़ा नहीं हो जाते और उनको बलात्कार करके फूंक करके नहीं जला देते? अफताब था या कोई था? कोई तो था, राज तो था उनका, उनकी राज में हुआ है ना। सरकार हारेगी, बड़े बड़े दिग्गज आ गए, रावण भर के राज आ करके चले गए, आज नामे भर तो रह गया है। कल कंस का नाम सुने तो कंस चला गया। हराने के लिए BJP को यही फॉर्मूला है कि आज वोट पड़े और कल गिनती होवे, आज रो वोट पड़े और कल गिनती होवे। मशीनों से भी फर्क नहीं पड़ता रे भाई। अरे मसीहा कहाँ गए? मसीहा हो जाते हैं ना तो गरीब मजदूर मारा नहीं जाता है। माँ पहले छोटे बच्चे का ख्याल करती है फिर बड़े का, और ये बड़े का ख्याल करते हैं छोटे का नहीं, छोटे बाढ़ में जाए। अरे चलो मोदी जी है। मोदी जी ने क्या इंटरव्यू नहीं किया? क्या किया था? अरे डंका बज रहा है, मीडिया बजा रही है, तुम्हारी मीडिया बजा रही है। अरे कोई नहीं, अमृतकाल, हाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बताओ किसको आजादी मिली है? लुटेरों को, गुंडों को, चोरों को, बेईमानों को, हेराफेरी वालों को। हाँ, गरीब किसान मजदूरों को आजादी नहीं मिली है। मैं आपसे ये एक बात और मैं बताना पाता हूँ कि 40% मजदूर, ये जो
राइस मिल हो गई, कोल्ड स्टोर हो गए, ये बनियों की जो हट्टियां हो गई जहां बोरियों का लादने उतारने का काम कर रहे हैं, महंगाई 3 गुना बढ़ी है। उनके मजदूरी के बारे में कभी मोदी सरकार या योगी सरकार या कोई राज्य सरकार या चाहे सेंटर की सरकार कभी सोची है? 1 रुपया 1.5 रुपया पे आदमी बोरी ढो रहे हैं, अरे कहीं नहीं आ जाती है। हाँ, ये तो जिले अधिकारी और एसपी डीएसपी खरीदे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ गाजीपुर के अंदर एक महाराष्ट्र के एसपी आए थे, रोहन प्रमोद बोथरे, वो जरा गरीबों की सुनते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। और भाजपा वाले जो उल्टा सीधा काम कराना चाहते थे वो नहीं करने देते थे, वो तो उनको 3 महीने के अंदर ही गाजीपुर से लिया करके लखनऊ में खड़ा कर दिए, वहाँ दूसरा एसपी खड़ा कर दिए। ये क्या कोई मतलब होता है? अरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना तो किसी अधिकारी को उस एरिया का हाल जानने में लग जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे सरकारें हैं कि अपना खाली लूट तंत्र चलाए रहे, मीडिया में शोर मचाए रहे। हाँ, नहीं तो ये बताओ भाई, जितना चैनल आजकल चिल्ला रहे हैं मोदी 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 मोदी, योगी 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 योगी, कभी किसी चैनल ने इतना चिल्लाया था? नहीं चिल्लाया हो तो कोई रिकॉर्ड बता दो। सामने मैं देवी इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा घर दिया गिरिया गया, मेरा दाढ़ी मोच उखाड़ गया, FIR तक नहीं लिखे गाजीपुर के, FIR तक नहीं लिखे, और हमारा घर दिया गिरा दिया गया। मैं दौड़ता रहा मुख्यमंत्री के यहाँ से, इस 17 से दौड़ रहा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं, कागज कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं। अरे पक्के घर अपने जो उनके साथ घूमते हैं ना कुत्ते, उनको मिलते हैं, गरीबों को नहीं मिलते हैं। नहीं तो हम चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा गांव घर 2 जगह है। नहीं नहीं, गरीबों की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार तो गरीबों की तो रक्षा कांग्रेस। अरे सबका साथ सबका विकास नहीं, पैसे वालों का साथ गरीबों का विनाश, पैसे वालों का साथ गरीबों किसानों मजदूरों का विनाश। नहीं तो मैं वो यही पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मोदी सरकार ये बता दे, या चाहे उनके श्रम मंत्री ये बता दें कि इतने दिन से है ये, कभी इनके बारे में बात सोचा है किसान मजदूरों के बारे में जो कोल्ड आलू को कोल्ड स्टोरों में काम करते हैं, ये मंडियों में काम करते हैं, अफसियाई गोदामों में काम करते हैं। पहले अफसियाई गोदाम में पक्के थे, हरियाणा में हम कह रहा हूँ उसी का मैं भी हूँ, आज धक्के खा रहा हूँ, आज भी हमारा केस चल रहा है। कोई योजना ही नहीं, 1 रुपया 1.5 रुपया बोरी में आज मरे जा रहे हैं किसान, दिन भर मजदूरी बोरी ढोते हैं तो 400-500 रुपया कमा करके तो अपने बच्चों के लिए के जाते हैं, और वो भी कल आएंगे काम करने तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरकार को क्या करेगा? सरकार बस, सरकार का बस कहते हैं कि गरीबों को उना सता नहीं, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा, तब इनका खोने का टाइम आ गया है। अरे सत्ता में आ जा रही है बस, वैसे आने को वो आई नहीं कहा। अरे वो तो मोदी के दिल पे हाथ रख करके देखो कि किस तरीके से ये किस सीटें जीते हैं। अरे जीते नहीं, अब तुम कैसे कर रहे हो, जीते हैं बेमानी की है। अरे कुछ भी नहीं, विकास में तो वो पुल बना था कितने का जान चला गया, कोई वही ना बना था भाई, वही विकास हुआ है ना। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया और जिसने वो पुल बनाया, उसको उसके बड़े बड़े अधिकारियों को कोई पूछ नहीं रहा है, छोटे छोटे कर्मचारी जो वहाँ सफाई करने वाले हैं, वहाँ देख रेख करने वाले हैं, वो फंसाए जा रहे हैं। बोलो ये कहाँ की नीति है, ये सरकार का काम है? अरे वो नकली चेहरा कहता है, असली चेहरा कहाँ सामने आवे, असली चेहरा सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। अरे नकली चेहरा है, हमेशा कह रहा हूँ कि नकली चेहरा आते हैं। अरे काम बढ़िया होता तो आज हम यहाँ दौड़ते, हम 13 महीना बॉर्डर पे बैठते। अरे विजयोत्सव में तुम मीडिया वाले बुला रखे हो ना, हम नहीं बुलाए हैं ना, हम तो देखो जो बोलने के लिए तो आज ही आए हुए इतनी जनता, और हम राजनीति में नहीं, हम राजनीति में क्या करेंगे, हम किसी पार्टी में आता हूँ? अरे हम तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा राज चल रहा है तो तेरे गरीब किसान मजदूरों के बारे में सोच। गेहूं के रेट बढ़ाए तुम 25 रुपया क्विंटल पे बढ़ाए, 25 पैसा किलो पे, और DAP क्या कितना कर दिए, ये तो उनसे पूछो, डीजल कितना कर दिए, 57 रुपया से 97 रुपया हो गया, 50 रुपया डीजल का रेट बढ़ गया लीटर पे, 50 रुपया के हिसाब से 5000 रुपया क्विंटल पे, डीजल का रेट बढ़ा 5000 रुपया क्विंटल, और किसानों का धान बढ़ा, गेहूं का कीमत बढ़ा कितना,
25 रुपया। आपने हिसाब किताब का काहे नहीं लगाएंगे? नहीं, जिन्होंने क्या कहा था कि दोगुनी आमदनी कर देंगे, हाँ 22 में दोगुनी करने को कहे थे ना, हाँ कि 2022 तक हम किसानों की मजदूरी दोगुनी कर, हाँ तो कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कहाँ है वो आमदनी, वो कहाँ है दोगुनी आमदनी? आज किसानों से जाके पूछू, हाँ जो छोटे मोटे किसान है आधा तो उनकी फसल पशु खा जाते हैं, आधा फसल पशु खा जाते हैं, हाँ थोड़ा बहुत बची तो वो खादे पानी का हो गया, उसकी मेहनत गई, दवाई गई, और उसको रातों दिन जो जो, अरे नहीं भाई वोट नहीं कोई उसको देता है, वोट ऐसे आ रही है ना कि वहाँ के जिला अधिकारी से और एसपी वालों, एसपी से पुलिस विभाग से, जो कि पुलिस देख रेख करती है ना, पेटियाँ बदल जाती हैं, हाँ ईपीएम बदल जाती है, हाँ इस कारण से, और नहीं तो हमारा तो उदाहरण यही है, किसान आंदोलन करेंगे, बस आंदोलन ही एक सहारा, अरे हाँ आंदोलन किया तो हम लोगों को झूठी टोपियाँ बांट कर, अरे नहीं नहीं वोट की चोट के लिए तो कहा था, था, था कि हम 3 बिल माफ कर देंगे, अच्छा हाँ, कह रहे और कहीं तुम्हारे लिए किसान आयोग बनाएंगे, अरे बताओ भाई कहाँ है किसान आयोग, अरे वोट दिया जाता है ये है भाई, ये अब वोट यदि ईवीएम से होगा, हाँ तो जिस रोज वोट पड़ेगा जितने पार्टी लगे सबका एक एक कैंडिडेट वहाँ पर बैठ के उसकी रखवाली करेगा, अच्छा। नहीं 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 नहीं, हाँ। 9 तारीख को हमारे किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने 9 तारीख को कहे थे, आई 11-12 को वोटिंग गिनती थी, तो 2 दिन पहले, तो 2 दिन में तो उसे 1 महीना पहले का पड़ा था, तो वहाँ तो सब काम हो लिया था, अरे हाँ ठीक है कुल जीत के आएंगे तो जहाँ वोट पड़े पहले गिनती कराओ फिर आगे बढ़ो। हिमाचल, मैं पहले बताया ना कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है कि जहाँ चोरी वाला पहले छोड़ेगी किसका है, ये मेरा नदी के किनारे किनारे रास्ता है। तो आपने ये चचा के सवाल और जवाब दोनों ही सुने कि किस तरीके से चचा इतने परेशान है, किसान है चचा और यूपी के गाजियाबाद से आए हैं और चचा को इतना ज्ञान है, इतना बही खाता लेकर घूम रहे हैं, तो मोदी जी आपको देखना चाहिए कि आपके और योगी जी के देश में हो क्या रहा है, तो आपको देखिए कि यहाँ पर किसान किस तरीके से यहाँ बराबर हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके बही खाते में और पत्रों में जिस तरीके से नाम में गलती की गई है, उनकी जाति बदल दी गई है, तो ये आपके प्रशासन की बहुत बड़ी खामी है, उस खामी का आप देखिए योगी जी, जिस तरीके से आप लगातार वहाँ पर दावे और वादे करते हैं कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, गहना लाद कर जा सकती हैं, तो वो देश कौन सा है जहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है? तो आपके ही देश से आए हुए ये किसान भाई हैं जो यहाँ पर आज सारे बही खाते लेकर आए हैं और आपकी प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आप ये देखिए, और मोदी जी अगर आप ये देख रहे हैं तो ये भी देखिए कि किसान यहाँ पर लगातार आपसे डिमांड और मांग कर रहे हैं, जो आपने बिल पीछे लिया था, पीछे हट गए थे लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।